दोस्तों आईपीएल 2024 के ऑक्शन पर आज जमकर बरसा पैसा। तो चलिए जानते हैं कौन सा खिलाड़ी बिका कितने पैसों में। तो सबसे पहले जो बिकने वाले खिलाड़ी थे वो थे रोबमैन पॉवेल, जिनको 7.40 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। उसके बाद हैरी ब्रूक को 4 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। उसके बाद ट्रेविस हेड को 6.80 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। उसके बाद शुभम दुबे को 5.80 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। उसके बाद चेतन सकारिया, जिनको 50 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। अल्जारी जोसेफ को 11.50 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा। उसके बाद उमेश यादव को 5.80 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने खरीदा। शिवम माबी को 6.40 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। उसके बाद मिचेल स्टार्क, जो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिन्होंने 24.75 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा। और जयदेव नाटकट को 1.60 करोड़ में इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। दिलशान मुदसांका को 4.60 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। उसके बाद बात करें अगर हम केएस भरत की, तो 50 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। और बिंदु हसरंगा को 1.50 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। रचिन रविंद्रा को 1.80 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। गजब का एक खिलाड़ी उभरता हुआ नया सितारा है। और शार्दुल ठाकुर को कम प्राइज में खरीदा गया। शार्दुल ठाकुर को नुकसान हुआ इम्पैक्ट प्लेयर आने से, 4 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। अजमुलतुल्ला और मरजाई को 50 लाख में गुजरात ने खरीदा। पैट कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा।